दोस्तों नाश्ता वगैरह हम सब रख लिए हैं, मेरा कागज वगैरह सब कम्प्लीट हो चुका है, अभी ये लोग भी जा रहा बाहर, मेरा भी मोबाइल होने जा रहा बंद। ठीक है दोस्तों, हम अकेला जा रहे अभी अंदर में। देखते ये वाला रूम कैसे है, तो क्या अब रात में ही जाके सो पाएंगे। एडिटिंग में वैसे हमको आप लोग पूछते थे कितना टाइम लगता है ये वो, तो एडिटिंग में हमको सब थे देख सकते हैं, यही रूम में अभी हम लोग रुके हुए हैं। एक बेड है वो भी सीमेंटेड बेड है, ऊपर से चटाई रखा हुआ है, इधर सामान वगैरह रखा हुआ है और पंखा भी है, तो यहीं पर अभी रेस्ट करने के लिए बस यहीं पर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए रूम आपसे का फिर से स्वागत है। दोस्तों सुबह हो चुका है, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे गुवाहाटी में और काफ़ी अंदर सिटी के अंदर है, बहुत ही मतलब ट्रैफिक है यहाँ पे। और अच्छा हुआ कि रात में ही आ गए थे हम लोग, क्योंकि देख सकते हैं पूरा मेरे पीछे जो है ना गाड़ी लगाने का पार्किंग वगैरह भी नहीं है, यहाँ पर कंपनी है तो रोड साइड में गाड़ी लग सकता है, दो तीन गाड़ी लग सकता है, ज़्यादा नहीं लग सकता। तो चलिए ठीक है, एक गाड़ी ये बचा हुआ है, एक गाड़ी मेरा है, दो गाड़ी यहाँ पर खाली होने वाला है, आज खाली करेंगे। और उसमें है कि हम अकेला जाएंगे, आज जो आदमी अंदर जाता है यहाँ का आदमी है खलासी वही बन के जाएगा। ये खलासी बन के इसलिए जाएगा कि अंदर को पता नहीं हमको कहाँ खाली होगा क्या होगा, सब कुछ वही करवाएगा। तो रोहित और शुभम दोनों ही बाहर रहेगा, तो बाहर में है जगह हुआ, बाजार तो है ही है, बैठने उठने का सब जगह साधन है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत सिस्टम है यहाँ पर, थोड़ा साइलेंसर में लगाने वाला है, फिर अपना गैस हड़िया बर्तन सब बाहर रखना पड़ेगा, माचिस तक भी रखना पड़ेगा। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे, हम लोग जितना बाल्टी वगैरह था सब ले जा करके रख दिए उधर साइड, क्योंकि बाल्टी वगैरह नहीं ले जा सकते, गैस वगैरह भी। और ये खुद उधर से दिया फायर एक्सटिंग्विशर, जो इसको रखने के लिए बोला कि इमरजेंसी के लिए है, इसको बोला कि गाड़ी में ही रखना पड़ेगा, तो इसको भी रख लिया। अब देखते कितना बजे तक बुलाता, अभी पापा गए उधर ही साइड कुछ एंट्री वगैरह कराने के लिए, तब तक हम और रोहित भाई यहीं पर है। दोस्तों हम तो अपना लाइसेंस वगैरह सब लेके गए थे, गाड़ी के कागज वगैरह सब एंट्री करा दिए हैं, हमको जो जहाँ तक मेरा काम था वो अपना काम हम कर लिए हैं, और बाकी वो अपना काम कर रहा है, एक आदमी है यहाँ ट्रांसपोर्टर, उसी को देता है कि मेरा गाड़ी जाएगा तो वो खाली करवाना, मैंने वो सोलिए एक माल का ही आदमी है, वो जिसका माल है उसी का आदमी है, तो वही जाएगा अंदर, कहाँ खाली होता क्या होता सब कराएगा वही। इस कंपनी में दिक्कत क्या है कि मतलब हर जगह गैस उतरवाता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हड़िया बर्तन भी उतरवा दे रहा है, हड़िया बर्तन माचिस तो चलो ठीक है, माचिस तो नहीं ले जाना चाहिए अलग बात है, लेकिन अगरबत्ती से क्या मतलब, जब माचिस ही नहीं रहे तो अगरबत्ती तो जा सकता था, लेकिन अगरबत्ती वगैरह भी सब उतार दिए, अगरबत्ती माचिस चाकू बर्तन गैस, यहाँ तक कि बाल्टी का पानी भी बोला उतार दो, तो वो भी उतार दिए हैं, एक बाल्टी बोला पानी के लिए रख सकते हैं आप। तो ठीक है दोस्तों, उससे ये इंतजार कर रहे हैं, ऐसे गाड़ी मेरा दिन भर में निकल जाएगा खाली होकर का, दिन भर में निकल तो जाएगा, लेकिन जो यहाँ का जो लोग है वो बोलता है कि थोड़ा लेट से निकलोगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एरिया तो फाँका हो जाएगा, तो आप गाड़ी को दोबारा यहाँ लगा सकते हो, तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ में दिक्कत हो जाता है। देखते हैं वो अंदर जाने के बाद कितना बजे निकलता है, लेकिन निकल जाएंगे ये पक्का है, कि कब तक निकलेंगे इसे गारंटी नहीं है। तो ये लोग दोनों रहेगा जहाँ पर है, यहाँ पर जूता टोपी भी लगता है, यहाँ जैसे टाटा कंपनी में लगता था उस टाइम को यहाँ जूता टोपी भी लगता है, सब किराए से लेना पड़ता है, तो वो भी ले लिए। देखिए सिलेंडर लिए आग बुझाने वाला, वो भी लिए हैं कि वो भी किराए से, सबका यहाँ किराया लगता है, सबका दिए हैं। देख सकते हैं दोस्तों यही फैक्ट्री है और यहीं पर हम लोग गाड़ी खाली करने जाना है, और पापा भी गए हैं नाश्ता लेने, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ मिलेगा नहीं, तो वो बोले कि लेकर के आने के लिए, तो अभी पापा गए हैं और हम लोग अभी थोड़ा देरी में पापा अंदर चल जाएंगे, तो हम लोग बाहर रुक जाएंगे। दोस्तों नाश्ता वगैरह हम सब रख लिए हैं, मेरा कागज वगैरह सब कम्प्लीट हो चुका है, अभी ये लोग भी जा रहा बाहर, मेरा भी मोबाइल होने जा रहा है बंद कर जमा करने जा रहे बाहर। ठीक है दोस्तों, हम अकेला जा रहे हैं अभी अंदर में, अब उसके बाद निकलेंगे, देखते हैं शाम तक निकलेंगे, तब तक लोग रहेगा बाहर में अपना खाना पीना खाएगा घूमेगा थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अंदर। देखिए दोस्तों मेरा तो गाड़ी तो घुस गया अंदर, और हम लोग का रुकना उठना बैठना मतलब ई रूम में है, ए रूम में दिया हुआ है, तो अभी एक थोड़ा भीड़ है, अभी हट जाएगा ये लोग, तो हम लोग आराम से बैठेंगे, उधर पीछे में बाथरूम टॉयलेट सब कुछ है, जो जिसका पास गैस उस जमा है उसी का किसी का है, तो इसी में हम लोग रहेंगे, रात हो जाएगा आने लगा गाड़ी निकलते, देखिए आज क्या हो सकता है। दोस्तों अभी दोपहर का 1 बजा और ये वाला रूम है जो हम लोग रुके हुए थे वहाँ ताला मार दिया गया है, क्योंकि वो लोग को कुछ काम था जिन लोगों का रूम था, तो सोचे अकेला कैसे छोड़ के चल जाए इन लोगों के ऊपर, तो ताला मार दिया, बोले कि आप लोग अभी थोड़ा देर बाहर ही रहिए 1 घंटा तक, तब फिर आएंगे तो फिर अंदर जाइएगा, तो अभी आराम कर रहे थे फिर अभी बाहर आ गए, और बाहर भी हम लोग नहीं जा सकते, देख सकते बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, और यही गली में हम लोग खड़ा है अभी, और रोहित भाई वहाँ पर बैठे हुए बात कर रहे अभी, और देख सकते बाहर में कितना ज़्यादा धूप है कि बाहर जा भी नहीं सकते हम लोग, तो यहीं पर है दोस्तों। और जो ये सब जो रूम सब है इसमें जो सामान जो गाड़ी वगैरह जो आता है फैक्ट्री में, जैसे जो गैस वगैरह जो पापा लिए थे सब यहीं पर रखवाते हैं, तो इसीलिए सब में ताला मार दिया गया, क्योंकि कहीं चोरी वगैरह होने का डर रहेगा, कोई दूसरा आके ले जाएगा, तो बहुत सारा सामान रहता है गैस बर्तन वगैरह, तो इसीलिए सब में ताला मार दिया गया। हम लोग वाले रूम में भी था, हम नोटिस नहीं किए थे, फिर देखे कि ये सब में ये लगा हुआ है, और देख सकते सामान भी बहुत रखा हुआ है, ये सब में कैंची है, जूता वगैरह है, और ये जूता वगैरह सब लोहा है जूता है, और यहाँ पर हेलमेट वगैरह भी मिलता है, जो पापा अभी अंदर फैक्ट्री में पहन के गए हैं हेलमेट,
दोस्तों देख सकते हैं यही वाला रूम था, आपको उस टाइम दिखाया नहीं था क्योंकि बहुत भीड़ था अंदर में, तो आदमी वगैरह सब थे। देख सकते हैं यही रूम में अभी हम लोग रुके हुए हैं। एक बेड है, वो भी सीमेंटेड बेड है, ऊपर से चटाई रखा हुआ है, इधर सामान वगैरह रखा हुआ है और पंखा भी है। तो यहीं पर अभी रेस्ट करने के लिए बस यहीं पर है। तो जितने लोग आते हैं रेस्ट करने के लिए तो यहीं पर रेस्ट करते, तो हम लोग यहीं पर कर रहे हैं। पापा का इंतजार करते हैं कब तक आएंगे। दोस्तों अभी हमारा खाना हो गया, सिंपल परोठा ही था, आलू भर का परोठा और सब्जी था, तो वही खा लिए थे हम लोग। अब रोहित भैया लेके जा रहे कहाँ, बोले कि कोई सब्सक्राइबर भाई थे तो बोले कि वो वाला रूम में क्यों रुके हुए, क्योंकि उसमें बार बार ताला बंद कर दे रहे थे, तो दूसरा रूम में देखने के लिए बोले तो जा रहे देखने के लिए। तो 15 मिनट में बंद कर दे रहे थे ताला, बोल रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं, तो फिर हम लोग बाहर कर दे रहे थे, बोले थे जब आएंगे तब अब ताला खोलेंगे। तो वहाँ रेस्ट भी नहीं कर पा रहे थे, और कल तो रात भर जगे हुए थे, और एडिटिंग मेरा भी कल 5 बजे तक कंप्लीट हुआ था फिर अपलोड करने में, तो कल हम 1-2 घंटा ही सो पाए थे। अभी नींद भी आ रहा है हमको बहुत, देखते ये वाला रूम कैसे नहीं, तो फिर अब रात में ही जाके सो पाएंगे, और आज का भी ब्लॉग एडिट करना है हमको। एडिटिंग में वैसे हमको आप लोग पूछते थे कितना टाइम लगता है ये वो, दोस्तों हमको ब्लॉग एडिट करने में कम से कम हम रात 12 बजे हम लोग का एंडिंग हो जाता है, ब्लॉग एंड कर लेते हैं तो फिर हम एडिट करने 1 बजे बैठते हैं, तो 1 बजे से टोटल हमको 3:30-4 बज जाता है ब्लॉग एडिट करने में। और थोड़ा धूप आ रहा बहुत ज़्यादा, तो आँख बंद हो रहा होगा मेरा थोड़ा सा, तो हमको ब्लॉग एडिट करने में 3:30-4 बज जाता है, फिर जाके हम सो पाते हैं रात भर, मतलब हम ज़्यादा नहीं पूरा दिन भर में 3-4 ही घंटा सो पाते हैं, फिर उसके बाद फिर हमको अपलोड भी करना रहता है वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं वाला रूम से हट के अब हम लोग ये वाला रूम में आ गए, और यही भैया है हमारे सब्सक्राइबर है। मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा था तो इनका पिताजी को मैं देखा तो खड़ा हुआ है, तो मैं याद नहीं आ रहा था कहाँ देखा हूँ, फिर जाके मुलाकात हुआ आगे में तो सब पता चला ये है, तब जाके देखा शुभम भैया भी है, रोहित भैया भी है, तो जाके मुलाकात किया तो बोला जो वहाँ कहाँ पे रहूँगा, गाड़ी तो अंदर चला जाएगा, हम लोग कहाँ रहेंगे, तो इसलिए बोला तो हमारे रूम पे आ जाने का, रूम पे आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से अरे सब्सक्राइबर है हूँ तो क्या है, भाई भी है, भैया बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, बोले खाना पीना खा लो, लेकिन हम लोग अभी जस्ट खा के आए हैं खाना, अभी थोड़ा खा लो, मैगी वैगी बना रहा हूँ, समोसा लेके लेने के लिए भेज दिया हूँ, समोसा भी खाओ मैगी भी खाओ। देखिए दोस्तों दोपहर का 3 बज रहे हैं, तो वहीं पे देखिए खाना पीना हो रहा है, तो मेरे को याद आ गया क्या चीज, 3 जन मतलब यूपी का रहने वाला है, ये खाना हमको यूपी का प्रतापगढ़ का मतलब याद आ गया, ऐसा खाना मतलब ऐसा दाल मिलता था, चावल मिलता था, रोटी मिलता था, भैया मिलता था कि नहीं, मिलता था, हाँ एकदम मिलता था हमको याद है। अरे ये भैया बंगाल का है, हमारे जौनपुर जौनपुर आ रहा यूपी जौनपुर है, वाराणसी बनारस। अरे हम लोग कैसा लग रहा है, नहीं मस्त लग रहा है खाना, जबरदस्त, सुबह तो अभी खाना खाया नहीं, तो ब्लॉग करने में व्यस्त है, ठीक है चलो जाने दो, सुबह को भी खाने दो। देखिए दोस्तों मैगी है, रोटी है, चावल है, तो बहुत मस्त लग रहा है खाने में, देखिए दोस्तों अभी शाम के 6 बज रहे हैं 6:30, अभी हम लोग गए थे गेट में, तो गेट में तो गाड़ी नहीं दिखा, आज गाड़ी नहीं निकलने का बहुत कम उम्मीद है, तो भैया का साथ आए हैं पनीर लेने के लिए, भैया लोग पनीर बनाएंगे आज, देखिए और आए हुए हैं लोग भी हैं, इधर भी भैया खड़ा है, और इसी का रूम में बैठना सोना वहीं पर है, न तो हम लोग यदि नहीं मिल रहा था आज हम लोग ऐसा दिन हो जाता है अच्छा बात है, वो तो अच्छा बात है, मिल गया हम लोग भी, रोहित को मिल गया, शुभम को भी मिल गया, चलो रूम पे खाना वाना खाते हैं, सोते हैं, कल सुबह को देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। अभी दोस्तों शाम के 7 बजे और पापा बाहर आ चुके हैं, हम लोग देखने के लिए गए थे तो उस टाइम नहीं आए थे, अभी पापा कॉल किए दूसरे नंबर से, बोले कहाँ पर है, तो हम लोग अब जा रहे पापा को लेने के लिए, तो देखते हैं पापा को लेकर के आते हैं या हम लोग को निकलना है कि यहीं पर पहले रुकना है, अभी पता नहीं है, तो जाके बात करते हैं पापा से, चलिए चलते हैं पापा के पास। दोस्तों अभी शाम के 7 बज रहा है और मेरा गाड़ी खाली हो गया, अभी हम बाहर निकले हैं, तब मेरा हाथ में मोबाइल भी आ रहा है, कहाँ है मोबाइल, नहीं तो मेरा हाथ में मोबाइल नहीं था, किसी ट्रांसपोर्ट वाला से किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, और ये लोग बाहर में था तो ये लोग को दे दिए थे हम, तो अब यहाँ पर जितना हिसाब है जो लिए थे सब क्लियर करके निकलते हैं यहाँ से अभी। अभी दोस्तों दोबारा हम और रोहित भैया जा रहे हैं वापस गाड़ी के पास, जो सामान वगैरह था वापस रखना उन सबको।
अगरबत्तियाँ लो। दोस्तों रात के 9 बज रहा है और गाड़ी तो हमारा गाड़ी बाहर निकल गया, सामान जो भी हेरा फेरी करना सब कर लिए हैं और दिन भर में आज हम पहला खाना मेरा मिला है। आज दिन भर तो खाना मिला नहीं, पेट्रोल पॉइंट के अंदर थे, हालांकि नाश्ता लेके गए थे हम तो, नाश्ता वगैरह तो लेके गए थे, नाश्ता तो कर लिए थे। तो अभी आए तो इस रूम में देख सकते हैं कि हम किसी रूम में बैठे हुए हैं और ये भाई साहब लोग सब साथ में हैं। ये लोग हमारे सब्सक्राइबर है, कुछ बंगाल से है, कुछ बिहार से है, तो सब यूपी से। आप यूपी से हैं? ये यूपी से है। तो ये लोग हम लोग को देखा था तो शुभम वार लोग को आज ये लोग दिन भर अपना रूम में ही रखा था, तो यहीं पर देखे शुभम लोग का खाना पीना भी सब यहीं पर हुआ था, तो सब यहीं पर हम खाना पीना किए हैं। आज हमारा रात का भी खाना यहीं पर हो रहा है, तो हमारा लोडिंग का भी बात हो चुका है, हमको निकलना है यहाँ से, जाना लोडिंग के लिए भूटान वाला माल, यहाँ से और कुछ तो मिलता नहीं है, भूटान जाना पड़ता है यहाँ से, तो भूटान जाएंगे। तो ठीक है, उसे खाना वो खाते हैं फिर यहाँ से निकलने की तैयारी, और नो एंट्री खुलेगा तो फिर हम निकलेंगे यहाँ से। और हमारे खाने में देखिए आज बना है पनीर, मटर पनीर है ना जी। यूपी में कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज। प्रयागराज बोल बोल के आदत करना पड़ेगा, मतलब इलाहाबाद बोले कैसे आदमी। दोस्तों खाना वो खाया तो निकल गए थे वहाँ से रूम से, और वहाँ से फिर हम लोग अभी क्या कि थोड़ा देर लेट गए थे, अब नो एंट्री भी लगा हुआ है तो नो एंट्री तो खुलता है रात को करीब 10-11 बजे, तो हम तो जब फांका हो जाएगा तभी निकलेंगे हम लोग, और फांका होने के बाद ही जाएंगे। और अपना लोडिंग क्या है कि बात हुआ है वही जो पिछले बार भी जो भूटान ले गए थे, वही एक माली मतलब हमको दिख रहा है, हर बार वही मिल रहा है हमको, अच्छा है, यहाँ से डीजल खर्चा निकल जाता है। फिर हम सिलीगुड़ी साइड से लोडिंग देखेंगे, सिलीगुड़ी से कहाँ से क्या मिलता है, सो ये सब एरिया से निकल जाते हैं, ये सब एरिया तो माल रहता नहीं ज़्यादा, वही हमको मिल रहा है, किस्मत भी ठीक है, वही माल मेरे लिए तैयार हो जाता है हर बार, तो मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा भूटान का लोडिंग और आगे का सफ़र, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।